brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इतना विरोध नहीं है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन ये ठीक बात है कि कुछ जगह पर कुछ लोगों का विरोध हो रहा है। आपने 2019 में भी देखा होगा, कई जगह ऐसा विरोध हुआ था और हम 10 की 10 सीटें जीते और कई कई लाख वोटों से जीते। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन इसका फादर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, चुनाव बड़ा मुश्किल होगा जीतना। तो दोनों बाप बेटा चुनाव हारे, 100% पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव पार्टी से ही लड़ूंगा। नहीं, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना पार्टी के चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा चुनावों के दो चरणों में एक बात खास है कि मतदान का जो प्रतिशत है, यानी वोटर्स पहुंच नहीं रहा है वोट डालने के लिए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता राव नरवीर मौजूद हैं। ये क्लस्टर, यानी तीन लोकसभाओं का जो क्लस्टर है, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सर कैसे निपटेंगे इस चुनौती से, क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है, जब गर्मी अपने पीक पर होगी, कैसे देखते हैं इस जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है? नहीं, परेशानी हरियाणा में कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा की है, इसलिए जब तक मुकाबले में कोई प्रत्याशी नहीं आता, इतने लोग अपना मन नहीं बना पाते। अब जब सामने विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी आ गए तो लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए। तो मेरा ये आकलन है कि 25 तारीख तक लोग मन बनाएंगे और पिछली बार की तरह वोट परसेंटेज पोलिंग होगी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हक में लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतेंगे। इन तमाम क्लस्टर से लगते इलाकों में और इन आपके क्लस्टर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। विरोध का कारण क्या है? क्या सिर्फ ये जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, या फिर इसको लेकर जो राजनीति की बात आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं? नहीं, राजनीतिक विरोधी लोग जो हैं वो किसान मोर्चा वालों का झंडा लेके कुछ विरोध करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो दुश्मनी या मतलब खिलाफत करते हैं, पार्टी के तौर पर इसकी खिलाफत नहीं है। और कुछ ही लोग हैं, वो कुछ ही गांव में, वो फिर मीडिया उसको हाईलाइट करती है, सोशल मीडिया और ज़्यादा हाईलाइट करती है। इतना विरोध नहीं है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन ये ठीक बात है कि कुछ जगह पर कुछ लोगों का विरोध हो रहा है, लेकिन जितना विरोध होगा, मैं ये कह रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अशोक तंवर का विरोध हुआ, धर्मवीर का विरोध हुआ, रोहतक इलाके में विरोध हुआ, ऐसे विरोध बढ़ता जा रहा है पूरे जाट लैंड की अगर मैं बात करूँ तो। आपने 2019 में भी देखा होगा, कई जगह ऐसा विरोध हुआ था और हम 10 की 10 सीटें जीते और कई कई लाख वोटों से जीते। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक गांव में 10 आदमी विरोध कर रहे हैं और 2000 वोट है तो 1990 आदमी वोट नहीं डाल रहा। जितना ज़्यादा कहीं विरोध करता है तो जो आम आदमी मतदाता होता है उसके बारे में वो सोचता भी है कि इन 10 आदमियों ने गाँव का माहौल ख़राब किया, तो वो ज़्यादा पक्ष में मतदान करते हैं। और आने वाले समय में लोग सोच रहे हैं, मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश विकसित भारत बढ़ने की ओर अग्रसर है, तो इसलिए मेरा ये आकलन है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे चुनाव जीतेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो मुकाबला आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ना काफ़ी पहले से शुरू कर देती है। आप भी काफ़ी लंबे समय से तैयारियों में जुटे हैं, चाहे हम रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें। नहीं, हमने पूरे हरियाणा में बहुत दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला में कार्यालय खोल दिए थे, लोकसभा के और विधानसभाओं में भी खोल दिए थे। प्रत्याशी डिक्लेयर ना हुए थे तब भी हमने कमल के फूल के निशान के दफ्तर खोल दिए थे। पूरी तैयारियां हैं, नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक और पन्ना प्रमुख तक हम मीटिंग कर चुके। हाँ, ये ठीक है कि कांग्रेस का प्रत्याशी ना आने की वजह से मतदाताओं में थोड़ी सी, क्या कहूँ मैं, कि रूखापन सा था या वो था। अब लोग को प्रत्याशी दो तीन दिन पहले कांग्रेस ने घोषित कर दी तो लोग गांव से निकलने लग गए। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ प्रमुख गांव में मतदाताओं के पास जाने लग गए। जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी आ रही है और अच्छी मात्रा से चुनाव में जीते। अच्छा, 25 मई एक ऐसी तारीख है जबकि प्रचंड गर्मी का एक प्रकोप होता है पूरे हरियाणा के अंदर, उत्तर भारत के अंदर। क्या लगता है कि वोटर बाहर निकलेगा और वोट करने के लिए जाएगा? अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटने वाली है? नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा ही मई में ही चुनाव हुए हैं, चाहे वो 25 को हो चाहे 15 या 17 मई को हुए, गर्मी में ही चुनाव होते हैं। तो अब हमारे विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में अब होने लगे। नहीं, मुझे याद है मैं कई बार चुनाव लड़ा हूँ तो अप्रैल और जून और मई में ही हुए हैं। तो हरियाणा के मतदाताओं को इससे वोट परसेंटेज का बहुत मामूली फर्क पड़ता है और लोग मतदान के दिन बड़े जागरूक होकर सुबह सुबह वोट डालते हैं
और 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाती है और 7 बजे ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है, लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, 70 और 72% तक पोलिंग हरियाणा में होती है। अच्छा, आपके पास जो क्लस्टर हैं उसमें तीनों महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं, रोहतक की बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, पिछली बार भी काफ़ी जीत का मार्जिन कम रहा था, तो क्या लगता है कि सीट में कहीं ना कहीं पेच फंसा है, अब की बार निकलने में मुश्किलात आने वाली? नहीं, पिछली बार भी लोग ये कहते थे कि दीपेंद्र हुड्डा बहुत वोटों जीतेगा, लेकिन वो चुनाव हार गए। एक वैसे मन बन जाता कि दीपेंद्र हुड्डा बड़ा आदमी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का है इसलिए, लेकिन पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा दीपेंद्र हुड्डा ने, और मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन इसका फादर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा चुनाव बड़ा मुश्किल होगा जीतना, तो दोनों बाप बेटा चुनाव हारे, अभी भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो लोगों का एक मन बन जाता है। वैसे आम बाहर के लोग जो नहीं जानते वहाँ की परिस्थितियों को, वे बाहर वाले आकलन कर लेते हैं कि नहीं, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है इसलिए चुनाव जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप रोहतक लोकसभा में आप घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि परिणाम क्या आने वाले हैं। हिसार में अगर मैं बात करूँ, हिसार का जो स्थिति जो है वो काफ़ी क्लियर नहीं है, तो हिसार को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? नहीं, अकेले हिसार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सभी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी करी है, उसमें एक हिसार भी है, और हिसार मेरा ये मानना है कि कई लाख वोटों से हिसार का चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, उनके बेटे नाराज हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट कर रहे थे, क्या लगता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? छोटी मोटी नाराजगियां थी वो दूर हो गई है, आज आदमपुर में जनसभा हो रही है और वो हो चुकी है अब तक, और कुलदीप बिश्नोई जी, भवय बिश्नोई जी और उनके सभी लोग चुनाव में लग गए हैं, और मेरा ये मानना है कि हम नलवा से और आदमपुर से और हिसार लोकसभा से कई लाख वोटों से चुनावी लोकसभा का जीतेंगे। सिरसा की सीट पे भी कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, क्या लगता है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है सिरसा लोकसभा की सीट पर? सिरसा लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला तो नहीं, पर मैं ये कहता हूँ मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव वो जीतेगी, लेकिन क्योंकि सिरसा से शैलजा जी 2 बार लोकसभा सांसद रह चुकी है, उनके अपने आदमी भी हैं, मैं ये कहूं कि वो चुनाव में अच्छा मुकाबला करेंगे, लेकिन जीतेगी 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, जैसे जैसे दो चरणों के चुनाव हुए हैं, दो चरणों के चुनाव में एक खास बात होती जा रही है कि एससी एसटी वोटर्स को ये बताया जा रहा है कि 400 पार का नारा इसलिए है कि संविधान को बदला जाएगा, क्योंकि आपके क्लस्टर में भी सिरसा लोकसभा सीट ऐसी है जो कि रिजर्व सीट है, वहाँ पे सर्वाधिक मत हैं, या फिर रोहतक में भी हैं, हिसार में भी हैं, पूरे हरियाणा भर में हैं, क्या लगता है कि इस नारे का असर जो कि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है और सत्ता पक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है, असर पड़ने वाला है इन चुनावों में? नहीं, सत्ता पक्ष तो पूरा प्रचार हम कर रहे हैं कि ऐसे भ्रम की स्थिति है, इसको दूर किया जाए, और हमारे जितने भी वर्कर हैं वो गाँव में जा रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन ये ठीक बात है कि आपके एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि भाई संविधान को बदल देंगे आपकी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से हर आदमी को कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी ना कोई मैनिफेस्टो में ना ये सोच है और ना ऐसा हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम है अपनी बात को कहना और दुष्प्रचार करने का, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। राव साहब, जो केंद्रीय नेतृत्व में बैठे जो नेता हैं वो इस बात को कहने में लगे हैं कि 400 पार अगर हम हो गए तो संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा रही है शुरू से आरक्षण को लेकर, और उसी विचारधारा को लेकर प्रचार किया जा रहा है। आज भी मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया, आप पढ़ाओगे अखबार में, कि हम आरक्षण विरोधी नहीं, आरक्षण को जारी रखेंगे, आज भी आया है अखबारों में, तो ऐसी बात नहीं है, ना कोई खत्म कर सकता ना खत्म करेगा, ना ऐसी सोच है, ये भ्रामक प्रचार है और विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। गुड़गांव लोकसभा की सीट की बात करते हैं, गुड़गांव लोकसभा में काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सिविल अस्पताल का मुद्दा है, बस स्टैंड का मुद्दा है, या फिर जो शहर में चारों तरफ गंदगी है उसका मुद्दा है, हर मानसूनी बारिश में जो शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है उसका है, मेवात के पिछड़ेपन का मुद्दा है, डिफेंस यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल तक नहीं किया है, क्या लगता है कि असर पड़ने वाला है इन लोकसभा चुनावों में गुरुग्राम लोकसभा पर? नहीं, आप एक बात देखो, जब आप मैनिफेस्टो की बात करते हो तो उसमें कोई एक लोकसभा के मैनिफेस्टो में नहीं आता, वो तो प्रदेश का जब बनेगा मैनिफेस्टो तो उसमें आएगा, संकल्प पत्र में तो पूरे देश की बात होती है कि वो नेशनल चुनाव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें अकेले एक हॉस्पिटल की बात नहीं होगी, गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए, गुड़गांव की सब्जी मंडी एक है जहाँ बहुत भीड़ होती है, 4 सब्जी मंडियाँ बननी चाहिए, गुड़गांव का बस स्टैंड जिसकी हमने जमीन ले ली वहां इसका निर्माण होना चाहिए, और बहुत से काम, और सबसे बड़ा काम यह है कि गुड़गांव में आज भी बहुत इलाके में जाम लगता है पीक टाइम में,
गुड़गांव में कम से कम 18-20 अंडरपास और फ्लाईओवर बनने चाहिए। गुड़गांव का जो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, इसको आगे तक बढ़ाकर इसको बॉम्बे एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड जोड़ना चाहिए। एक्सटेंशन रोड को भी सिग्नल फ्री करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता में बीजेपी के में रहेगा। और गुड़गांव में बहुत से अंडरपास और फ्लाईओवर आगे आने वाले समय में बनेंगे। जहां तक सफाई व्यवस्था की बात है, कुछ दिनों तो हड़ताल रही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गुड़गांव में सफाई चल रही है। और ये अकेले गुड़गांव का नहीं है, ये सारे हरियाणा में कर्मचारी ने हड़ताल की थी, इसलिए ये हो पाया। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में भी अच्छा गुड़गांव, स्वच्छ गुड़गांव आपको दिखेगा। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक जा रहा है, छठे चरण की तरफ जा रहा है, मुद्दों से भटकता जा रहा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुद्दों की तरफ भी जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहीं कुछ बात लोग कह देते हैं, लेकिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है कि हमेशा बात मुद्दों की होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष वाले यदि कोई बात कर देते हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ता है पार्टी को, तो इसलिए वो कभी कभी बन जाता है ऐसा मुद्दा, चाहे वो धार्मिक हो चाहे कोई और हो। लेकिन यदि विपक्ष के आदमी बात मुद्दे की करेंगे तो पक्ष वाले भी बात मुद्दे की ही करेंगे। लोकसभा चुनाव के फौरन बाद विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, हालांकि अक्टूबर में ये संभावित है, प्रस्तावित है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है बादशाहपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ? नहीं, हमारी तैयारी, हमने गांव में बहुत से प्रोग्राम किए पीछे से, लेकिन अब क्योंकि क्लस्टर इंचार्ज मुझे बना दिया, इसलिए रोहतक और हिसार और सिरसा ज़्यादा रहना पड़ता है। और मैं तो अभी आज का राव इंद्रजीत सिंह का नॉमिनेशन है, इसलिए रात को 11-12 बजे में आ पाया, फिर अब चला जाऊंगा कल। तो अब तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही ज़्यादा आना जाना होगा, और चुनाव की तैयारी है और मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दी, आपको देगी आपको बादशाहपुर विधानसभा से, आपको पूर्ण विश्वास है? मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मैं और नेता भी बहुत ज्यादा मात्रा में बादशाहपुर विधानसभा में ऑफिस खोलने में लगे हैं, और पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड, ये जितने भी राशन कार्ड हैं इस तरह के, वो बनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की जो बयार है वो सिर्फ राशन कार्ड बनाकर पूरी की जा सकती है। देखो, राजनीति में सब आदमियों का मन होता है, कोई भाई ये चाहे कि भाई मैं ना मन, उसका भी मन कर सकता है और किसी भाई का भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ कि मेयर को पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तभी चुनाव लड़ेगा रावणा भी? 100% पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव पार्टी से ही लड़ूंगा। नहीं, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना पार्टी के चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री राव नरवीर हैं, जिनका कहना है कि पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे। बादशाहपुर विधानसभा से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इस क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं वहां पे भी, अगर इनसे हमने बातचीत की है तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, ये जरूर ये कहने में लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज जरूर कम हो रही है, वोट प्रतिशत कम हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेसी नेता भी परेशान हैं। कांग्रेस भी परेशान है कि अगर वोट प्रतिशत कम रहा तो कैसे वो लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम दे पाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।